नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार का T20 वर्ल्ड कप जीते तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं इस T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा। आखिरी गेम तक ये बता पाना मुश्किल था कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन भारतीय टीम ने इस मैच को जीता। और अब इतनी बार जहां भारतीय टीम 7 बार पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में हरा चुकी है, तो वहीं एक बार फिर पाकिस्तान की टीम ने भारत को हराया है। लेकिन इस हार के बाद जहां भारतीय फैंस और भारतीय क्रिकेट के दिग्गज तो खुश हैं, लेकिन पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। हालांकि कनाडा के खिलाफ जीत के बाद पाकिस्तान को कुछ राहत मिली है, लेकिन उन्हें सुपर 8 में पहुंचने के लिए भारत की ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के एक दिग्गज खिलाड़ी कामरान अकमल ने अर्शदीप सिंह का ऐसा बड़ा मजाक उड़ा दिया जिसके बाद बवाल मच चुका है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान की हार के बाद जहां सभी पाकिस्तानी दिग्गज हैरान थे और गुस्से में थे, तो वहीं एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कामरान अकमल ये भूल बैठे कि वो पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर हैं और उन्हें इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। कामरान अकमल ने अर्शदीप सिंह को लेकर कहा कि आखिरी ओवर जब अर्शदीप सिंह डालने आए थे तब 12 बज रहे थे और जैसे ही ये क्लिप वायरल हुआ सभी लोग कामरान अकमल की निंदा करने लगे। हरभजन सिंह ने तो ट्विटर पर पोस्ट डालते हुए कामरान अकमल की धजिया तक उड़ा दी। हरभजन सिंह ने कामरान अकमल को कहा, लाख दी लानत तेरे ते, अकमल तुझे सिखों की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। सरदारों ने तुम्हारी माँ बहनों को बचाया था जब कुछ आतंकियों ने तुम पर हमला किया था और उस समय 12 ही बज रहे थे। थोड़ी शर्म रखो और सिखों का मजाक ना उड़ाओ। इसके बाद तो ये खबर हर तरफ वायरल हो गई और अब इस खबर पर सानिया मिर्जा ने कामरान अकमल का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि कामरान अकमल तुम्हें शर्मानी चाहिए। एक पाकिस्तानी होने पर तुम टीवी पर बैठकर इस तरह भारतीय खिलाड़ी का मजाक उड़ा सकते हो? तुम्हारी टीम हारी है, तुम अपनी टीम की हार के बारे में चिंता करो, न कि दूसरी टीम के होनहार खिलाड़ियों का मजाक उड़ाओ। अर्शदीप सिंह ने भारतीय टीम को बहुत मैचेस जिताए हैं, तुमने क्या किया है? आज तक तुमसे एक वर्ल्ड कप जीता नहीं गया। वहीं इसके बाद सानिया मिर्जा ने कहा कि कामरान अकमल को टीवी चैनल से हटा देना चाहिए और हमेशा के लिए सस्पेंड करना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी अपनी गंदी जुबान से टीवी पर कुछ भी बोल सकते हैं। अर्शदीप सिंह का इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो कोई भी सिख हो। किसी को कोई हक नहीं है कि वो उनका मजाक उड़ाए। और मैं चाहती हूँ कि भारतीय टीम इस बार अच्छा प्रदर्शन करे और इस T20 वर्ल्ड कप को जीते जिसमें अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के लिए अहम भूमिका निभाए। उसके बाद सानिया मिर्जा ने कहा कि कामरान अकमल जैसे खिलाड़ी अपने देश को तो नीचा दिखाते ही हैं, साथ ही हर पाकिस्तान की बेइज्जती भी करा रहे हैं। कामरान अकमल की तरफ से मैं माफी मांगती हूं और कामरान अकमल को अपनी हद में रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या सानिया मिर्जा ने इस तरह की बात बोलकर सही किया या गलत, आपको क्या लगता है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।